काले साहिब ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, तो तू है वो दुष्ट भक्षानर। ये आवाज सुनते ही काला साया तुरंत अपनी नजरें लेफ्ट साइड में करता है और देखता है कि उसके लेफ्ट साइड में ही एक यक्षिणी जितनी ही सुंदर औरत खड़ी हुई थी। यक्षिणी जिस अंदाज में साड़ी पहनती है, उस औरत ने भी उसी अंदाज में लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बस उसके सिर पर ताज नहीं था जो कामेश्वरी यक्षिणी के पास था, पर वो दिखने में उतनी ही सुंदर और मनमोहक थी। उसके चेहरे में एक जादू था, एक ऐसा जादू कि अगर कोई भी मर्द उसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। उसके माथे पर अर्ध उगते हुए सूरज की प्रतिमा की बिंदी लगी हुई थी। काला साया उस औरत को देखते हुए कहता है, तू सुर सुंदरी यक्षिणी है ना? वो औरत कुछ जवाब नहीं देती है, गुस्से के साथ ही काले साये को घूरते रहती है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, हाँ तू सुर सुंदरी यक्षिणी ही है, तेरी खूबसूरती को देखकर मैंने तुझे पहचान लिया। बहुत चर्चे सुने थे मैंने तेरी सुंदरता के, आज उस सुंदरता का नजारा भी देख लिया। काला साया उस सुनहरे द्वार से कहीं और नहीं बल्कि यक्षिण लोक पहुंच गया था, वही यक्षिण लोक जहां पर कभी कामेश्वरी यक्षिणी रहा करती थी, जहां की वो महारानी थी, और इस वक्त वो उस महल के अंदर मौजूद था जहां पर सारी यक्षिणियां रहा करती थी। वो 64 कमरे उन्हीं यक्षिणियों के थे। उन कमरों पर अलग अलग तरह की नक्काशी की गई थी और वो नक्काशी इस बात की तरफ इशारा करती थी कि कौन से कमरे में कौन सी यक्षिणी रहा करती थी। सुर सुंदरी यक्षिणी काले साये को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, तो तू ही है वो दुष्ट जो यक्षिण लोक की यक्षिणियों को गायब कर रहा है। काला साया हंसते हुए कहता है, गायब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें कैद करके पृथ्वी लोक ले जा रहा हूँ। सुर सुंदरी यक्षिणी पूछती है, पृथ्वी लोक ले जा रहा है, पर क्यों? काला साया जवाब देता है, ताकि उनकी मदद से कालगढ़ बना सकूं। आखिर उन्हीं की शक्तियों से तो कालगढ़ बनेगा और फिर पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। जब काले साये के मुंह से सुर सुंदरी यक्षिणी ये बात सुनती है तो कुछ घबरा सी जाती है। काला साया फिर खुद ही बोल पड़ता है, तू मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही है? मैं कोई पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात आता हूँ और एक यक्षिणी को बॉटल में कैद करके यहाँ से ले जाता हूँ। पिछली बार तो मैं अष्टमी की रात ही आ गया था और एक नहीं बल्कि दो दो यक्षिणी को पकड़ कर ले गया था। काले साये की डरावनी हंसी महल में गूंजने लग जाती है। सुर सुंदरी यक्षिणी गुस्से के साथ बोलती है, तू उन यक्षिणियों को यहाँ से इसलिए ले जा पाया क्योंकि वो अकेली थी। हमें तो पता ही नहीं था भक्षानर कि तू यक्षिणियों को कैद करके अपने साथ ले जा रहा है। हम तो खुद परेशान थे उनके लिए कि आखिर उन यक्षिणियों का क्या हुआ, पर आज तू मेरे सामने आ गया और तूने खुद अपनी सच्चाई मुझे बता दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुर सुंदरी यक्षिणी की बात सुनकर काला साया हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, जब तेरी वो महारानी कामेश्वरी यक्षिणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तू मेरा क्या कर लेगी सुर सुंदरी? सुर सुंदरी यक्षिणी कहती है, हमारी महारानी को तो तूने छल से कैद किया था, पर तू मुझे नहीं छल पाएगा। तू यहाँ पर आ तो गया है पर यहाँ से जा नहीं पाएगा। काला साया पलट कर कहता है, तो तू रोकेगी मुझे? सुर सुंदरी कहती है, मैं नहीं, हम सब। जैसे ही सुर सुंदरी यक्षिणी ये बात बोलती है, महल में मौजूद कुछ कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। एक साथ करीब 12 दरवाजे खुलते हैं और उन 12 दरवाजों के अंदर से बढ़कर एक खूबसूरत यक्षिणी कमरे से बाहर आकर दरवाजे के सामने खड़ी होने लग जाती है, जो गुस्से के साथ काले साये को घूरे जा रही थी। काला साया तो उन यक्षिणियों को बस देखते ही रह गया था। काला साया बारी बारी उन यक्षिणियों को देखते हुए कहता है, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, रति प्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, अनुरागनी यक्षिणी और ये यही बड़बड़ाते हुए काला साया उन यक्षिणियों का नाम लेना छोड़ता है और अगले ही पल उनकी गिनती करते हुए कहता है, 1, 2, 3, 10, 11, 12 और सुर सुंदरी यक्षिणी, तुझे मिलाकर पूरी 13 यक्षिणी। तुम 13 यक्षिणी की तो मुझे जरूरत थी, बाकी की यक्षिणी को तो मैं पहले ही कैद करके पृथ्वी लोक पर ले जा चुका हूँ। सुर सुंदरी यक्षिणी कुछ कहती उसके पहले ही काला साया कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, पर तुम सारी यक्षिणी आज एक साथ यहाँ पर कैसे? पिछली अमावस्याओं पूर्णिमाओं पर जब मैं आया करता था तब तो हर यक्षिणी अपने कमरे में ही रहा करती थी और मैं बिना किसी आहट के उसे कैद करके अपने साथ ले जाया करता था।
सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, क्योंकि आज हम इसी बात पर से पर्दाफाश करना चाहते थे कि आखिर यक्षिणियां गायब कहां पर हो रही हैं भक्षानर। हम उसी की सभा के लिए आज एकत्रित होने वाले थे, पर सभा शुरू होने से पहले ही तू यहां पर आ गया। काला साया पलट कर कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम सब यहीं पर हो। वैसे भी मुझे पहले ही देर हो गई है, एक एक यक्षिणी को पकड़ता तो काफी वक्त हो जाता। अब तुम सब यहाँ पर हो तो सबको एक साथ कैद करके ले जाऊंगा यहाँ से। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, कौन किसे कैद करता है वो तुझे अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर सुरसुंदरी यक्षिणी इशारा करती है और अगले ही पल अलग अलग मंजिल पर जो यक्षिणी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी वो छलांग लगाते हुए नीचे आ जाती है और काले साये को चारों तरफ से घेर लेती है। काला साया उन 13 यक्षिणियों से पूरी तरह से घिर चुका था। उसी वक्त भक्षानर वो 2 काली पॉलिथीन अपने जादू की शक्ति से निकालता है और उनके अंदर जो 13 बोतलें रखी हुई थी उसे जमीन पर रख देता है। वो बोतलें अलग अलग रोशनी के साथ चमक रही थी क्योंकि वो अलग अलग शक्तियों से बनी हुई थी। जब वहां पर मौजूद यक्षिणियों की नजर उन बोतलों पर पड़ती है तो वो घबरा जाती है, उनकी आंखों में हल्का सा डर नजर आने लग जाता है। काला साया मुस्कुराहट के साथ कहता है, इन बोतलों के अंदर वही शक्तियां हैं जो तुम्हारी कमजोरी हैं। जिस तरह मैंने बाकी की यक्षिणियों को कैद किया था, अब उसी तरह मैं तुम्हें भी कैद करूंगा। शंखिनी यक्षिणी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, भक्षानर तू नहीं, अब हम तुझे कैद करेंगे। इतना कहकर शंखिनी यक्षिणी काले साये को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। उसी वक्त काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम शंख धारिणे शंखाभरणे माम हिम क्लीम क्लीम श्री बंधयति। जैसे ही काला साया ये मंत्र पूरा पढ़ता है, शंखिनी यक्षिणी पानी की शक्ति से बनी हुई बोतल के अंदर जाकर कैद होने लग जाती है। वो अपने आप उस बोतल के अंदर चले जाती है। शंखिनी यक्षिणी बोतल से बाहर निकलने के लिए जैसे ही बोतल को तोड़ने के लिए अपने हाथों से धक्का देती है, उसे एक झटका लगता है और वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है। शंखिनी यक्षिणी चीखने चिल्लाने लग जाती है, पर उसकी आवाज बोतल से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। शंखिनी यक्षिणी को ऐसे कैद होते हुए देख बाकी की यक्षिणी कुछ घबरा सी जाती हैं, पर वो बिल्कुल भी डरती नहीं है, बल्कि भक्षानर का बड़ी बहादुरी से सामना करने लग जाती है। हर यक्षिणी भक्षानर को छूने की कोशिश कर रही थी, पर भक्षानर था कि उन्हें चकमा देकर यहाँ से वहां जा रहा था, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि अगर किसी भी यक्षिणी का उस पर हाथ टच तक हुआ तो वो यक्षिणी उस पर काबू पा सकती थी, उसे मोहित करके अपने वशीभूत कर सकती थी। पर भक्षानर भी उनसे ज्यादा चालाक था, इसी वजह से वो उन्हें चकमा देकर एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जा रहा था और बाकी की बची हुई यक्षिणी को बोतल के अंदर कैद करते जा रहा था। एक के बाद एक यक्षिणी कैद होते जा रही थी। देखते ही देखते 11 यक्षिणियां कैद हो जाती हैं और अंत में बस सुरसुंदरी यक्षिणी और चंद्रामृत यक्षिणी बचती हैं। वो दोनों भी भक्षानर को पकड़ने की कोशिश में काफी थक गई थी और हाफे जा रही थी, पर उन दोनों ने फिर भी हार नहीं मानी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भक्षानर को पकड़ कर रहेगी। काला साया हंसते हुए कहता है, तुम दोनों भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा ना, नियति खुद चाहती है कि कालगढ़ बने, तभी तो नियति ने तुम सबको एक साथ यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था और मैंने सारी यक्षिणी को कैद कर दिया और अब बस तुम दोनों बची हो, मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा। चंद्रामृत यक्षिणी सुरसुंदरी यक्षिणी की तरफ देखते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, सुरसुंदरी यक्षिणी, हमें यक्षों को बुलाना चाहिए वरना ये भक्षानर हमें भी कैद कर ले जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, पर ये परंपरा के विरुद्ध है। तुम्हें पता है ना, इस महल के अंदर यक्षों का आना मना है। यहाँ पर सिर्फ यक्षिणियां आ सकती हैं। अगर यक्ष इस महल के अंदर आए तो इस महल की पवित्रता खत्म हो जाएगी, ये सोने का नहीं रहेगा। चंद्रामृत यक्षिणी कुछ कहती है उससे पहले ही काला साया हंसते हुए बोल पड़ता है, इसी बात का फायदा उठाकर तो मैंने इस सुनहरे द्वार का मुख इस महल के अंदर खोला था, ताकि बाकी के यक्षों को इस बात का पता तक ना चले और मैं चुपचाप एक एक यक्षिणी को पकड़ कर ले जाऊं। पूरे 2 साल लगे मुझे एक एक यक्षिणी को पकड़ने में, पर अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और अब मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। सुरसुंदरी यक्षिणी चंद्रामृत यक्षिणी को इशारा करती है। चंद्रामृत यक्षिणी इशारा समझते ही यक्षों को बुलाने के लिए वहां से भागने लग जाती है। वो भाग पाती उससे पहले ही काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम गुलु गुलु चंद्रामृत मई अवजालितम हुलु हुले चंद्र नीरे बंधयति। जैसे ही काला साया मंत्र पूरा पढ़ता है, चंद्रामृत यक्षिणी आग की शक्ति से जो लाल बोतल बनी हुई थी उसके अंदर जाकर कैद हो जाती है। वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर बाकी की यक्षिणियों की तरह बाहर नहीं निकल पाती है, बोतल के अंदर ही कैद होकर रह जाती है।
सुरसुंदरी यक्षिणी भी वहां से भागने ही वाली थी कि तभी काला साया फिर एक और मंत्र पढ़ लेता है और मंत्र के खत्म होते ही सुरसुंदरी यक्षिणी भी कैद हो जाती है। सुरसुंदरी यक्षिणी के कैद होते ही काला साया कसकस कर डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। काले साया ने अपनी शक्तियों से 13 की 13 यक्षिणियों को कैद कर लिया था, एक भी यक्षिणी बची हुई नहीं थी। काला साया अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए बॉटल में कैद हुई 13 यक्षिणियों की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। कालगढ़ बनाने का जो एक कदम बचा हुआ था उसमें से आधा कदम मैंने तय कर लिया है, अब बाकी का आधा कदम मैं पृथ्वी लोक पर जाकर पूरा करूंगा। आज मैं कालगढ़ बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर काला साया अपनी जादुई शक्ति से उन 13 की 13 बॉटलों को एक साथ उठाता है और महल के दरवाजे के पास ही जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसके अंदर कूद जाता है। इस तरफ पृथ्वी लोक पर कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के सामने साधना में बैठकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक मंत्र पढ़े जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्व पाप हरम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में बस कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्र के जाप करने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी महादेव की साधना करने में इतनी खो गई थी कि सब कुछ भूल गई थी, वो बस मंत्र पढ़े जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी लगातार मंत्र पढ़ी रही थी कि तभी जमीन में तेज कंपन होना शुरू होने लग जाता है, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। कामेश्वरी यक्षिणी फिर भी नहीं रुकती है, मंत्र पढ़ती रहती है। अगले ही पल जमीन तेजी के साथ हिलने लग जाती है, कंपन के साथ छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हवा में ऊपर उठने लग जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी की मीनारें हिलने लग गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ग्रेवयार्ड कोठी को हिला रही हो। तेजी के साथ हवाएं चलने लग जाती हैं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो, और उसी तूफान में ग्रेवयार्ड कोठी पूरी तरह हिलने लग गई थी। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंसने लग जाती है। ये देखकर कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक नजर आने लग जाती है, जैसे वो यही चाहती थी। उसे पहले से इस बात का अंदाजा था कि महादेव की साधना करने पर ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने पहले ही चटर्जी और अनुराग का शव बाहर निकाल लिया था ताकि उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सके। देखते ही देखते पूरी ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंस जाती है। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर ग्रेवयार्ड कोठी का कोई वजूद ही ना हो। जैसे ही पूरी तरह ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंसती है, जमीन के अंदर से एक सफेद रोशनी निकलने लग जाती है और उसी सफेद रोशनी के साथ एक काले रंग का शिवलिंग जमीन के अंदर से निकलते हुए ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। जैसे ही वो शिवलिंग पूरी तरह जमीन से बाहर निकलता है, सफेद रोशनी निकलनी बंद हो जाती है। वो शिवलिंग जमीन के ऊपर आकर स्थापित हो जाता है। उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे जरूरत थी। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल अपनी जगह पर से उठती है और शिवलिंग के पास जाकर उसके सामने नतमस्तक होते हुए नम आंखों के साथ बोल पड़ती है, आखिर आपने मेरी पुकार सुनी ली महादेव, मुझे पता था आप कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं कर सकते, आप सच में महान है महादेव, आप महान है। जमीन के अंदर से जो शिवलिंग निकलकर बाहर आया था वो कोई और नहीं बल्कि वही शिवलिंग था जिससे एक बार भक्षानर महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रहा था, पर मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाने के कारण शिवलिंग खंडित हो गया था, जिस कारण वो शक्तियां अपने अंदर खींचने लग गया था और उसी के साथ अपने आप जमीन के अंदर धंस गया था। और फिर बाद में उस जगह पर अंग्रेजों ने ग्रेवयार्ड कोठी बना दी थी। जब कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में तलाश कर रही थी तो उसे यही चीज याद आई थी कि जब पहली बार भक्षानर उसे अदृश्य कमरे में लेकर आया था तो उसी ने उसे बताया था कि क्यों अदृश्य कमरे में किसी की शक्ति काम नहीं करती है। उसके पीछे की वजह वो खंडित शिवलिंग था जो ग्रेवयार्ड कोठी की जमीन में ही कहीं दबा हुआ था। पर अब कामेश्वरी यक्षिणी ने अपनी भक्ति से उस शिवलिंग को ढूंढ कर बाहर निकाल लिया था। सिर्फ बाहर नहीं निकाला था बल्कि अपनी शक्ति से उस शिवलिंग को पवित्र भी कर दिया था, मंत्रों का सही सही उच्चारण करके। कामेश्वरी यक्षिणी खुशी के साथ कहती है, चटर्जी के कहने पर मैंने अदृश्य कमरे में किसी भी शक्ति के काम ना करने की वजह ढूंढी ली, सिर्फ वजह नहीं ढूंढी बल्कि शिवलिंग को भी पवित्र कर दिया है। अगर ग्रेवयार्ड कोठी जमीन में ना धंसती तो मैं अदृश्य कमरे में जाकर देखती कि मेरी शक्तियां काम कर रही है या नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, अब बस मुझे एक आखिरी काम को अंजाम देना है
उसके बाद अगर महादेव ने इसी तरह मेरा साथ दिया तो मेरी शक्तियां लालखाल जंगल में भी जरूर काम करने लग जाएंगी। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है भक्षानर, तेरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंत के साथ ही मैं आ रही हूँ भक्षानर, मैं आ रही हूँ तेरा अंत करने। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है भक्षानर, तेरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंत के साथ ही मैं आ रही हूँ भक्षानर, मैं आ रही हूँ तेरा अंत करने। इसी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग के सामने फिर एक बार अपने दोनों हाथ जोड़ती है और मन ही मन मंत्र बड़बड़ाते हुए शिवलिंग को अपने कंधे के ऊपर उठाती है। अगले ही पल वो स्थानांतरण द्वार बनाती है और शिवलिंग के साथ उसके अंदर घुस जाती है। इस तरफ मंदिर के अंदर कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी की टेंशन बढ़ते जा रही थी क्योंकि तारा को अभी तक होश नहीं आया था। वर्चस्विनी ने अपने हाथ में तारा का हाथ थाम कर रखा हुआ था पर वो एक बस जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसकी आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने तारा के ठीक होने की सारी उम्मीदें खो दी हैं। कार्तिक पुजारी तो बार बार महादेव के नाम का ही जप करे जा रहे थे क्योंकि वो जानते थे अब महादेव ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। वर्चस्विनी ने तारा का हाथ पकड़ कर रखा ही हुआ था कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे तारा ने अपनी उंगलियां हिलाई हों। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से बोल पड़ती है, तारा ने अपना हाथ हिलाया पुजारी जी, मेरी तारा ने अपना हाथ हिलाया। जब कार्तिक पुजारी अपनी नजरें तारा के हाथ की तरफ करते हैं तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो देखते हैं कि तारा के हाथ की उंगलियां हिलने लग गई हैं। तारा की उंगलियां हिलते हुए देख कार्तिक पुजारी की टेंशन भी कुछ कम हो जाती है पर उनके चेहरे पर अभी भी एक बेचैनी थी जैसे वो किसी बात से परेशान हो। वर्चस्विनी फिर बोल पड़ती है, अब सब ठीक हो जाएगा पुजारी जी, देखना अब मेरी तारा जल्दी होश में आ जाएगी, महादेव उसके साथ। कार्तिक पुजारी कुछ मायूसी के साथ ही कहते हैं, महादेव करे ऐसा ही हो वरना अगर कालगढ़ बनने से पहले तारा को होश नहीं आया तो फिर उसकी शक्ति जागृत हो जाने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समस्त ब्रह्मांड पर उस भक्षानर का राज होगा, चारों तरफ काली शक्तियों का जाल बिछ चुका होगा। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर वर्चस्विनी के चेहरे पर भी फिर से मायूसी छा जाती है। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए महादेव से कहती है, हे महादेव मेरी तारा को जल्दी होश में ला दीजिए, अब एक आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इस तरफ डायना की नजर उसके हरे हीरे पर पड़ गई थी जो जमीन पर बने हुए ट्रायंगल के अंदर बनी आंख के पास रखा हुआ था। वो यही सोच रही थी कि कैसे वो उस हीरे के पास पहुंचे, उसे कैसे भी करके अपना हीरा वापस से हथियाना था तभी वो कुछ कर सकती थी। रही अभिमन्यु की बात तो उसका दर्द धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते जा रहा था, उसका उल्टा हाथ अब उठ ही नहीं रहा था, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काले साय ने चैटर्जी से वज्र छीन कर उसे पहले ही नष्ट कर दिया था, शक्तियां चले जाने के कारण युग भी और ज्यादा कमजोर पड़ गया था। डायना कुछ करने का सोच ही रही थी कि तभी आसमान में जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसके अंदर हलचल होने लग जाती है। देखते ही देखते उस सुनहरे द्वार के अंदर से ढेर सारे बॉटफ्लाई और धुआं निकलते हुए जमीन की तरफ आने लग जाते हैं और अगले ही पल काला साया उन सबको नजर आने लग जाता है जो सीधे आकर जमीन पर बने निशान के पास आकर बैठ जाता है। उसने अपने हाथ में ढेर सारी बॉटलें पकड़ कर रखी हुई थी पर हर बॉटल के सामने ढेर सारा धुआं छाया हुआ था जिस कारण समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बॉटलों के अंदर क्या है। यामिनी उन बॉटलों को देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, पहले तो इन बॉटलों के आसपास इतना सारा धुआं छाया हुआ नहीं था, अब इन बॉटलों के आसपास इतना सारा धुआं कैसे, आखिर क्या है इनके अंदर। काला साया उन बॉटलों को भी आंख के निशान के पास जो बॉटलें पहले से रखी हुई थी उनके पास जमाने लग जाता है। सबकी नजर काले साये पर टिकी हुई थी। बिंदु कायर और कछुआ डरते हुए काले साये की तरफ ही देख रहे थे। देखते ही देखते काला साया सारी बॉटलों को आंख के निशान के पास जमा देता है। अगले ही पल काला साया मंत्र पढ़ता है और जैसे ही वो पूरा मंत्र पढ़ता है बॉटलों के आसपास जो धुआं छाया हुआ था वो हटने लग जाता है। बॉटलों के अंदर जो यक्षिणी कैद थी वो सबको नजर आने लग जाती है पर उन यक्षिणियों की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती हैं। उनकी चीखें बॉटल के अंदर ही दबकर रह जाती है।
जैसे ही बाकी सबकी नजर बोतलों के अंदर कैद यक्षिणियों पर पड़ती है, सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है, सबको सांप सूंघ गया था। यामिनी बोतलों के अंदर कैद यक्षिणी को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये तो वही यक्षिणियां हैं जो यक्षिण लोक में रहा करती हैं, जिनके बारे में रज्जन ने मुझे बचपन में बताया था। यामिनी के ये बात कहते ही युग को भी याद आ जाता है कि एक बार कुएं के पास बैठकर यामिनी ने उस यक्षिण लोक की 64 यक्षिणियों के बारे में बताया था। युग की भी आंखें इतनी सारी यक्षिणी को एक साथ देखकर खुली की खुली रह गई थी। काला साया मुस्कुराहट के साथ यामिनी से कहता है, तूने बिल्कुल सही पहचाना यामिनी, ये वही यक्षिणियां हैं। आखिर कालगढ़ बनाने के लिए मुझे इन्हीं की शक्तियों की तो जरूरत है। वो क्या है ना, एक एक यक्षिणी की साधना करके उसे पृथ्वी लोक पर बुलाता तो बहुत वक्त लग जाता मुझे कालगढ़ बनाने में। आखिर तेरी माँ को भी तो पृथ्वी लोक बुलाने में मुझे सदियां लग गई थी, अपने बाजुओं की बलि दी थी तब वो आई थी। इसीलिए तारा की दैवीय शक्ति छीनने के बाद मैंने एक ऐसा सुनहरा द्वार बनाया जो सीधे यक्षिण लोक के यक्षिण महल में खुलता था, जहां पर यक्षिणियां रहा करती हैं। वहीं से मैं इन्हें हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात पकड़कर लाता था, पर इन्हें पकड़ने में मेरी काली शक्तियां भी कम होती जाती थी। इसीलिए मैं अपने ही साथियों से उनकी काली शक्तियां छीनते रहता था, ताकि और शक्तिशाली होकर और यक्षिणियों को पकड़ सकूं। और देख, आज मैं सारी यक्षिणियों को पकड़ लाया हूं। अब यक्षिण लोक में एक भी यक्षिणी नहीं बची। उन सारी यक्षिणियों को कैद देख यामिनी इतना ज्यादा डर गई थी कि अब उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। काला साया फिर बोल पड़ता है, ऐसे क्या देख रही है, ये सब मेरी कोई एक दो साल की मेहनत नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत है। कामेश्वरी यक्षिणी का कामुक बदन देखकर मेरे अंदर की वासना जाग गई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं सारी यक्षिणियों को देखूंगा भी और उन्हें चखूंगा भी। इसलिए मैंने पहले से ही इसकी सारी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। काला साया एक लंबी आह भरते हुए कहता है, जब मैं अनुराग के शरीर में घुसा था उसी वक्त से मैंने शिकार करने शुरू कर दिए थे, और उस शिकार से मुझे जो ताकत हासिल होती थी उससे मैं अलग अलग शक्तियों को एकत्रित करके शक्तियों से भरी हुई बोतलें बनाता था और अदृश्य कमरे में रख दिया करता था, ताकि उन बोतलों की शक्तियों को कुछ होना और वक्त आने पर मैं उनका उपयोग कर सकूं। जैसे ही अभिमन्यु काले साय की ये बात सुनता है, उसके समझ आ जाता है कि अदृश्य कमरे में जो रैक बनी हुई थी उसके अंदर सिर्फ 64 खाने थे। क्यों उन खानों में सिर्फ 64 शक्तियों से बनी हुई बोतलें रखी हुई थी? क्योंकि यक्षिणियों की संख्या भी सिर्फ 64 थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, पहले यक्षिणियों को कैद करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ हवस था, वो तो बाद में मुझे पता चला कि यक्षिणियों की शक्ति का प्रयोग करके कालगढ़ बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने और तेजी के साथ यक्षिणी को कैद करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु काले साय से पूछ पड़ता है, यानी तूने सारी 64 यक्षिणियों को पकड़ लिया? काला साया पलट कर कहता है, सारी नहीं अभिमन्यु, एक यक्षिणी अभी भी बची हुई है जो इस पृथ्वी लोक पर ही आजाद घूम रही है, और तू अच्छे से जानता है कि वो कौन है। युग दर्द से कराहते हुए बोल पड़ता है, कामेश्वरी यक्षिणी। काला साया हंसते हुए कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा मेरे वंशज, मेरे खून। काला साया यामिनी की तरफ देखते हुए नाटकीय ढंग से कहता है, तेरी माँ कैसी है यामिनी, उसे तुझसे प्यार भी है या नहीं? अब तक तो उसे तुझे बचाने के लिए आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, तेरी माँ यहाँ पर नहीं आई तो क्या हुआ, मैं ही उसे बुला लेता हूँ। यामिनी गुस्से के साथ काले साये को घूरते रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। काला साया फिर बोल पड़ता है, पहले मैंने सोचा था आखिरी में कालगढ़ बनने के बाद मैं तेरी माँ को मार ही दूंगा, पर जब से मैंने इन सारी यक्षिणियों को देखा है तो इन्हें देखकर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जो बात कामेश्वरी के बदन में है वो किसी और यक्षिणी के बदन में नहीं। मुझे नहीं लगता इन यक्षिणियों का बदन मुझे रास आएगा, मुझे अपनी वासना के लिए कामेश्वरी यक्षिणी के बदन की ही जरूरत पड़ेगी। यामिनी अपनी मुट्ठी भींचते हुए चीखते हुए कहती है, भक्षानर। काला साया फिर बोल पड़ता है, लगता है मुझे तेरी माँ को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। इतना कहकर काला साया अपने दोनों हाथ जोड़ता है और मंत्र का जाप करते हुए कहता है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस तरफ कामेश्वरी यक्षिणी स्थानांतरण द्वार से सीधे औषधीय पहाड़ी के पास पहुंच गई थी। इस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी औषधीय पहाड़ी के दूसरी तरफ थी, उस तरफ जिस तरफ से लाल खाल जंगल शुरू होता था। पूर्णिमा शुरू होने के बावजूद भी हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, आसमान में चांद कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे काले साए की काली शक्तियों ने चांद की चांदनी को भी ढक लिया है। हर तरफ घने काले बादल नजर आ रहे थे और उन्हीं बादलों के नीचे कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग को अपने कंधे के ऊपर लेकर खड़ी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी अपने आसपास देखते हुए कहती है, चैटर्जी का संदेश समझकर मैं शिवलिंग लेकर यहाँ पर तो आ गई, पर मैं इस शिवलिंग की स्थापना ऐसी कौन सी जगह करूँ जहाँ से मेरी शक्तियाँ इस लाल खाल जंगल में भी काम करने लग जाए। कामेश्वरी यक्षिणी यही सोचने लग जाती है, तभी उसकी एक नजर लाल खाल जंगल में लगे चमड़ी की तरह लटक रहे लाल पेड़ों पर पड़ती है और उसी के साथ नीचे जो खून की तरह लाल पानी बह रहा था उस पर पड़ती है। फिर एक नजर औषधीय पहाड़ी पर पड़ती है जिसका शिखर काफी ऊंचा था। कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि उसे शिवलिंग की स्थापना कहां पर करनी है। कामेश्वरी यक्षिणी औषधीय पहाड़ी को देखते हुए कहती है, उस भक्षानर ने मेरे उस दैवीय झरने को नष्ट किया था जहां पर मैं महादेव की आराधना करती थी और अब मैं उसके कालगढ़ बनाने की जगह को नष्ट करूंगी यहाँ पर दैवीय झरने की स्थापना करके। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग को महादेव का जाप करते हुए ही औषधीय पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा जो समतल पत्थर रखा हुआ था उस पर रख देती है। कामेश्वरी यक्षिणी लाल खाल जंगल में नीचे तल पर जो पानी बह रहा था उस तरफ देखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है वहां का खून की तरह लाल पानी अपने आप कम होने लग जाता है, सूखने लग जाता है और देखते ही देखते लाल खाल जंगल के अंदर का सारा लाल पानी सूख जाता है। वहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं बचती है। ये सब देखकर कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो कामयाब हो गई है, उसकी शक्तियां लाल खाल जंगल में काम करने लग जाएगी। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल औषधीय पहाड़ी के शिखर की तरफ देखती है और जैसे ही एक मंत्र पढ़ती है शिखर से लाल पानी की धारा बहने लग जाती है जैसे कोई झरना बह रहा हो। उस झरने का लाल पानी सीधे शिवलिंग के ऊपर गिरने लग जाता है, पर जैसे जैसे ही वो लाल पानी शिवलिंग पर गिर रहा था वो नीचे आकर सफेद होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग का अभिषेक कर रही हो और महादेव अपनी लीला दिखाकर उस पानी को शुद्ध कर रहे हो। अगले पल आसमान में तेज सफेद रोशनी नजर आने लग जाती है। ये सफेद रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि चांद की आ रही थी। आसमान के घने काले बादल छटने लग जाते हैं, चांद नजर आने लग जाता है जैसे महादेव ने अपने सिर पर धारित किए हुए चांद का मुख मोड़ दिया हो और गंगा माँ के तौर पर झरने के पानी को अपने ऊपर धारित कर लिया हो। ये दृश्य देखकर कामेश्वरी यक्षिणी मोहित होकर शिवलिंग को बस देखते ही रह जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे महादेव उसे स्वयं आशीर्वाद दे रहे हो। झरने से जो पानी शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था वो पानी शिवलिंग से होते हुए लाल खाल जंगल के अंदर जाने लग जाता है और जैसे ही वो पानी पेड़ों की जड़ों में जाता है वो पेड़ लाल रंग से वापस से हरे रंग के होने लग जाते हैं, वो सारे पेड़ नॉर्मल हो जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी महादेव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आपकी लीला अपरंपार है महादेव, बस अब मेरा इतना साथ और दे दीजिए कि मैं उस काले साए का अंत कर दूं, चाहे तो बाद में आप स्वयं मेरे प्राण ले लीजिएगा। कामेश्वरी यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में बार बार भक्षानर के मंत्र पढ़ने की आवाज गूंजने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि भक्षानर फिर से उसकी साधना कर रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, मैं आ रही हूँ भक्षानर, मैं तेरे पास ही आ रही हूँ तेरा अंत करने। इस तरफ काला साया लगातार कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ते जा रहा था। बाकी सबकी नजर भी उस पर टिकी हुई थी, बस डायना ही थी जिसकी नजर उसके हरे हीरे पर टिकी हुई थी जिसे वो पाना चाहती थी, पर कैसे ये उसे नहीं पता था। हर कोई खौफ में था। कायर, कछुए और बिंदु के अंदर का डर तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उन्हें उनकी मौत करीब आते नजर आने लग गई थी। काला साया फिर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस बार जैसे ही काला साया मंत्र पढ़ता है उसे दूर से एक जुगनू आता हुआ नजर आने लग जाता है और उस जुगनू के पीछे पीछे ही ढेर सारे जुगनू आते हुए नजर आने लग जाते हैं। उन जुगनुओं को देखकर योग यामिनी अभिमन्यु और डायना चारों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है क्योंकि वो जान गए थे कि ये किसके आने की आहट थी। देखते ही देखते काले साये के सामने ढेर सारे जुगनू नजर आने लग जाते हैं। एक तेज पीली रोशनी होती है जो काले साये की आंखों में चुभने लग जाती है जिस कारण काला साया मंत्र पढ़ना तो बंद करता ही है साथ में अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे उसके सामने कामेश्वरी यक्षिणी नजर आने लग जाती है जिसके सिर का ताज आज कुछ ज्यादा ही उसके सिर पर शोभा दे रहा था।
जब कामेश्वरी यक्षिणी वहां पर यामिनी युग और बाकी सबको बंधा हुआ देखती है तो उसकी आंखें कुछ नम होने लग जाती है, पर घबराहट तो उसकी तब बढ़ जाती है जब वो वहां पर बाकी की यक्षिणियों को कैद में देखती है। उन यक्षिणियों की कैद हुई बॉटलों को देखते ही कामेश्वरी समझ जाती है कि सारा मामला क्या था, काला साया किस तरह से कालगढ़ बना रहा था। वो समझ जाती है कि उसे कालगढ़ बनाने के लिए यक्षिणियों की शक्तियों की जरूरत थी, तभी उसने उन्हें इस तरह से बॉटल में कैद करके रखा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी से कुछ कहने वाली थी कि तभी काला साया कामेश्वरी यक्षिणी को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो तू आ गई कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, मुझे तो आना ही था भक्षानर तेरा अंत करने के लिए। काला साया हंसते हुए कहता है, जरा नियति का खेल तो देख कामेश्वरी, नियति मुझे फिर उस जगह पर ले आई है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तुझे याद है तेरी और मेरी, हम दोनों की कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ नहीं कहती है, चुपी खड़ी रहती है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, सदियों पहले जब मुझे ब्रह्मांड पर राज करने के लिए तेरे ताज में लगे लाल हीरे की जरूरत थी, उस वक्त भी मुझे तेरी साधना करके तुझे यक्षिण लोक से पृथ्वी लोक पर बुलाना पड़ा था, और आज जब मैं कालगढ़ बनाने जा रहा हूँ तो मुझे फिर से तेरी साधना करनी पड़ी और तुझे मेरे बुलाने पर यहाँ आना ही पड़ा। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, तूने सही कहा भक्षानर, नियति हमें फिर उसी जगह पर ले आई है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, और आज नियति एक बार फिर वही चक्र दोहराएगी। उस रात भी मैंने तेरा अंत किया था और इस रात भी मैं तेरा अंत ही करूंगी। ये तेरी जिंदगी की पृथ्वी लोक पर अंतिम रात है भक्षानर। काला साया कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, ये मेरी अंतिम रात नहीं कामेश्वरी, ये तो मेरी कालगढ़ बनाने की रात है, और इसके बाद सारी रातें भी मेरी होंगी और दिन भी मेरे ही होंगे, पूरे ब्रह्मांड पर हर जगह सिर्फ मेरा ही राज होगा। इतना कहकर काला साया कसकस कर हंसने लग जाता है, उसकी डरावनी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। युग कामेश्वरी यक्षिणी को अकेला देखकर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, कामेश्वरी जी के साथ तारा क्यों नहीं आई, ये अकेले क्यों आई है? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, लगता है तारा की अभी तक दैवी शक्ति जागृत नहीं हुई है, तभी माँ यहाँ पर अकेले आई है। डायना कुछ डर के साथ कहती है, इन्हें यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था, ये भक्षानर इन्हें भी कैद कर लेगा और फिर कालगढ़ बनाने में कामयाब हो जाएगा। डायना की बात सुनकर कछुआ कायर और बिंदु के अंदर का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। काला साया अगले ही पल अपनी नजरें उस बॉटल की तरफ करता है जो अब तक खाली थी, जिसे उसने बिजली की शक्ति से बनाया था कामेश्वरी यक्षिणी को कैद करने के लिए। जैसे ही काला साया उस बॉटल की तरफ अपनी नजरें करता है, वो बॉटल उड़ते हुए सीधे काले साये के हाथ में आ जाती है। काला साया हंसते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, बाहर की हवा तूने बहुत खा ली कामेश्वरी, अब तेरे कैद होने का वक्त आ गया है। जब 64 की 64 यक्षिणियां कैद होंगी, आखिर तभी तो बनेगा मेरा कालगढ़। इतना कहकर काला साया मंत्र पढ़ने लग जाता है। वो मंत्र पूरा पढ़ता उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी अपना एक हाथ काले साये के सामने करती है और उसी वक्त उसके हाथों से ढेर सारे जुगनू निकलने लग जाते हैं, जो सीधे जाकर काले साये के पास आकर मंडराने लग जाते हैं। कुछ जुगनू काले साये के मुंह के पास मंडरा रहे थे तो कुछ उसके कानों में, जिस कारण उसे मंत्र पढ़ने में दिक्कत होने लग जाती है। वो जुगनू तेज पीली रोशनी के साथ काले साये के सामने मंडराने लग जाते हैं, जिस कारण काले साये की आंखों में जलन होने लग जाती है और वो मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। काला साया उन जुगनुओं को अपने आस पास से हटाने की कोशिश करते हुए गुस्से के साथ कहता है, ये कैसे हो रहा है, तेरी शक्तियां यहाँ पर कैसे काम कर रही है कामेश्वरी, तू क्या करके आई है? कामेश्वरी यक्षिणी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं तेरे अंत का पूरा इंतजाम करके आई हूँ भक्षानर, वो जगह जो तूने कालगढ़ के लिए चुनी थी, जिसे तूने काली शक्तियों का स्रोत बनाया था, उस जगह को मैंने अब पवित्र कर दिया है महादेव की स्थापना करके, अब यहाँ पर तेरी नहीं बल्कि सभी की शक्तियां काम करेगी। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात कहते ही काला साया अपनी आंखें बंद करता है और अगले ही पल उसे सब कुछ दिख जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी कैसे शिवलिंग की स्थापना करके आई थी और कैसे उसने लाल खाल जंगल को नॉर्मल कर दिया था। काला साया आक्रोश के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, तो तू मुकाबले की तैयारी करके आई है कामेश्वरी, तू मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है? कामेश्वरी यक्षिणी भी उसी लहजे में पलट कर कहती है, मुकाबला बराबरी वालों के साथ किया जाता है भक्षानर, और तू मेरे मुकाबले के काबिल नहीं है,
मैं तो तुझे चुटकियों में रौंद कर रख दूंगी। तेरा वो हाल करूंगी कि तू डरेगा अगला जन्म लेने से भी। कामेश्वरी यक्षिणी की बातें सुनकर साफ समझ आ रहा था कि कामेश्वरी यक्षिणी भक्षानर को लड़ने के लिए उकसा रही थी और काला साया भी उसकी बातों में आने लग गया था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, तेरे पास उतनी शक्तियां नहीं है कि तू मुझसे लड़े भक्षानर। काला साया गुस्से के साथ कहता है, तू अभी रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। इतना कहकर काला साया गुस्से के साथ अपनी जगह पर से उठ जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, जैसे वो यही चाहती थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैंने सोचा था तुझे ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, बिल्कुल भी तड़पाऊंगा नहीं, सीधे सीधे बॉटल में कैद करूंगा और कालगढ़ सिद्ध कर दूंगा। पर तू एक औरत है ना, और एक औरत को जब तक उसकी औकात ना दिखाओ तब तक वो एक आदमी की बात मानती कहां है। तू भी उन्हीं औरतों में से एक है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, औकात तो मैं तुझे आज दिखाऊंगी भक्षानर, तेरा अंत करके। काला साया गुस्से के साथ कहता है, मेरा अंत अनंत है, मेरा अंत अनंत है, अनंत 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 बोलकर ही काला साया अगले ही पल हवा में ऊपर उठने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपनी शक्तियों को प्रयोग करने लग जाती है और ऊपर हवा में उठने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी और काला साया जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर आ गए थे एक दूसरे से लड़ने के लिए। सभी की नजर उन दोनों पर टिकी हुई थी। काला साया अपने दोनों हाथ जोड़ता है और मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लग जाता है। उसकी आंखों की पीली रोशनी बढ़ने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी भी मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लग जाती है। उसके ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था वो तेजी के साथ और ज्यादा लाल रोशनी में चमकने लग गया था। काला साया और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों ही अपनी शक्तियों को एकत्रित करने में लगे हुए थे। उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी काले साये की आंखों में गौर से देखने लग जाती है और उसे काले साये की आंखों में काले रंग के 4 निशान बने हुए नजर आने लग जाते हैं। पहला निशान था पानी का, दूसरा आग का, तीसरा बवंडर और चौथा इन्फिनिटी। वही 4 निशान जो युग की कलाई और अनुराग की कलाई पर बने हुए थे, बस 5वां निशान बना हुआ नहीं था। उन निशानों को देखकर कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि भक्षानर किन शक्तियों का उपयोग करने वाला है। काला साया अपने दोनों हाथ आगे करता है और मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम जलम 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 जल तो पेन तम मार्यंतु। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।